गाइस समंदर किनारे मिली चार ऐसी अजीब चीजें जिन्हें देखकर सब लोग हैरान हो गए। नंबर वन, गाइस साल 1992 में कार्गो शिप 29,000 टॉय रबर डक्स को लेके हांगकांग से अमेरिका के लिए रवाना होता है, मगर बीच रास्ते में किसी रीजन की वजह से डक्स से भरा कंटेनर वहीं पर समंदर में खुल जाता है, जिससे हजारों की तादाद में ये रबर डक्स पानी में गिर जाती है और ऐसे ही काफी दिनों तक समंदर के किनारे तैरती रहती है। नंबर दो, एक बार एक लड़का ऐसे ही बीच पर घूम रहा था, मगर तभी उसे समंदर के किनारे एक मरी हुई डॉल्फिन दिखाई देती है, मगर जब वो लड़का डॉल्फिन के पास जाता है तो उसे देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उस डॉल्फिन का एक नहीं बल्कि पूरे दो सिर होते हैं और डॉल्फिन का ऐसा होना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। नंबर तीन, गाइस 2018 में यूके के एक बीच के किनारे लोगों को लाखों की संख्या में मरी हुई स्टारफिश दिखाई देती है, जो शायद स्टॉर्मी वेदर या फिर अचानक से टेम्परेचर में बदलाव आने की वजह से ऐसा हो सकता है। नंबर चार, गाइस साल 2016 में साइबेरिया के एक बीच के ऊपर लोगों को काफी सारे ऐसे बड़े बड़े साइज के स्नोबॉल्स देखने को मिलते हैं और इन्हें देख साइंटिस्ट का कहना था कि ये काफी रेयर नेचुरल प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से बर्फ ऐसे बड़े बड़े स्नोबॉल की साइज ले लेती है।